शादी की कुछ उल्टी परंपराएं जो आपका दिमाग हिला देंगे। नंबर 1, दुल्हन के सिर पर थूकना। केन्या में मसाई जाति के लोग जब अपने बेटी की शादी करते हैं तो शादी के दिन लड़की पर थूका जाता है, इसे वो आशीर्वाद कहते हैं। इस कल्चर में थूकना गुड लक माना जाता है। यहाँ ज्यादातर अच्छी चीजों की शुरुआत से पहले थूकना शुभ माना जाता है। नंबर 2, दूल्हे के पैरों पर मारना। दोस्तों, साउथ कोरिया में जब किसी लड़के की शादी होती है तो दूल्हे का परिवार उसके जूते उतार कर रस्सी से एड़ियों को बांधता है और फिर उसके पैरों पर मारता है। इससे न्यूली वेड हस्बैंड के कैरेक्टर और ताकत का टेस्ट लिया जाता है। ये रस्म सुनने में भले ही खतरनाक लग रही हो, लेकिन इसे मजाक मस्ती में किया जाता है। नंबर 3, जितनी मोटी दुल्हन उतना अच्छा। जी हाँ दोस्तों, मॉरिटानिया देश में दुल्हन को शादी से पहले मोटा किया जाता है। इसके लिए उन्हें खूब खिलाया जाता है। इस देश में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि दुल्हन जितनी मोटी होगी वो उतना ही गुड लक घर में लेकर आएगी, इसलिए दुल्हन को शादी से पहले गोल मटोल किया जाता है।